बड़ी खबर अशोक नगर सजा कलेक्ट्रेट में सोलर प्लांट रूम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। मौके से जान बचाकर कर्मचारी भाग निकले। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर अशोक नगर से, जहां सोलर प्लांट रूम में कलेक्ट्रेट में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहां पर कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई वहां से भागकर, और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, जानकारी दे कैसे हुई ये घटना। जी बिल्कुल रीतिका जी, मैं आपको बता दूं, अशोकनगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर ये एक सोलर सिस्टम रूम बनाया गया है, जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम को संचालित करता है वो रूम, और वो आज ओवरलोड के कारण उसमें एक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के साथ उसमें आग लग गई और आग के बाद लगातार एक एक करके 10 धमाके सुनाई दिए। वहां पर आसपास जो कर्मचारी थे, इनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ कुछ सिस्टम में अंदर आग लग रही है या कुछ फॉल्ट हुआ है। जो कर्मचारी थे, जब एकदम धमाका हुआ तो वो कर्मचारी भी भागते हुए नजर आए। काफी मशक्कत के बाद उस आग को काबू पाया गया। रितिका जी, जी किसी की जान माल की कोई खबर तो नहीं? नहीं बिल्कुल, ये एक अगर बड़ा धमाका हो सकता, अगर बड़ा बड़ा हादसा हो सकता था जिससे जिस पर काबू पा लिया गया, क्योंकि उसमें अंदर बैटरीज लगी हुई थी जो सोलर सिस्टम को संचालित करती थी। अगर वो बड़ी आग लगती और उस पर जल्दी काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा धमाका और बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।